सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतन तनवरे एंड वेलकम टू यू पैसिव विद जतन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मैं मेरी करंट जॉब छोड़कर, जिसकी सैलरी अराउंड 2.5 से लेके 3 टाइम्स ज़्यादा है जो मेरी जो करंट गवर्नमेंट जॉब से ली हैं, उनको ज्वाइन करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ और फिर मैं जस्टिफिकेशन दूंगा कि मैं क्यों आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। सो मैं गवर्नमेंट जॉब्स ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की जो जर्नी है उसको यहीं एंड कर रहा हूँ और इस जॉब को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। सो अब आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, क्यों आखिर ऐसा क्यों है। सो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी जो जॉब प्रोफाइल है, मैं अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जो टेक्नोलॉजी है वो है जिस पर मैं काम करता हूँ वो है सेल्सफोर्स डेवलपर प्लस डेवऑप्स इंजीनियर। सो ये दो चीज़ें हैं जिस पर मेरा काम रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी कैसी है आप सोच रहे होंगे कि अगर छोड़ के आ रहा है तो ये टेक्नोलॉजी पक्का बहुत बेकार होगी। सो इसके ऊपर मैं कहानी सुनाता हूँ। हमारी कंपनी में क्या होता है कि टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे आप ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर आपके को पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद टेस्ट होंगे और जिनको आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको टेक्नोलॉजीज अलोकेट करी जाती हैं। सो जो सेल्सफोर्स थी वो सबसे ऊपर जाती है। सो जब मुझे मिला तो जो मेरे साथ वाले थे मेरे, तो वो मुझे कह रहे थे कि ब्रदर यू आर वेरी लकी, यू गॉट दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है। और इसमें भी जब मुझे डेवऑप्स मिला तो लोग बाग और ज़्यादा बोल रहे थे, लाइक डेवऑप्स सेल्सफोर्स मिला है, सेल्सफोर्स में डेवऑप्स मिला, इट्स लाइक सोने पर सुहागा। क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो बेसिकली सेल्सफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि यहाँ पर सेल्सफोर्स का काम काफ़ी अच्छा होता है। सो ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आपको पैसा कमाना है, आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, अगर आपको स्कोप वाली चीज़ चाहिए तो सेल्सफोर्स आपके लिए है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ऐसा कहा जाता है। इससे भी काफ़ी ऊँची ऊँची टेक्नोलॉजीज होती हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, बट मैं अभी मेरे लेवल पर बता पा रहा हूँ आपको। सो आगे की बात क्या है कि जो लोग अगला सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि यहाँ पर शायद जॉब आपकी चैलेंजिंग नहीं होगी। हमें जॉब चैलेंजिंग चाहिए जहाँ पर हर रोज़ कुछ नया चैलेंज आए, मोनोटोनस ना मिले। सो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस मतलब आपको हर कुछ नया नया सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी टीम पे डेवलपर्स वो होते हैं जो कोड लिखते हैं, और डेवऑप्स वाले क्या करते हैं, ये लोग कोड को डिप्लॉय करने का काम करते हैं। सो एक टीम में मुश्किल से एक या दो डेवऑप्स इंजीनियर ही रहते हैं। जब भी मैंने काम किया है मोस्टली अराउंड रहा हूँ, अभी भी जो करेंट प्रोजेक्ट में मैं हूँ मैं अकेला हूँ, और मुझे एकदम नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है तो मुझे उस टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसमें जो भी एरर्स आएंगे वो एरर्स मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, लोगों को जो भी डाउट होंगे डेवलपर्स को वो डाउट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। सो चैलेंजेस आपके पास काफ़ी रहेंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस ही रहेगी। जिन भी लोगों को चाहिए ना कि हमें कुछ चैलेंज मिलता रहे, हम बस ये नहीं चाहते कि बस रोज के रोज एक्सेल शीट बनाए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, उन पर काम करते रहो। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें हमारा खुद का एक फ्रेमवर्क है, तो मतलब हमारी खुद का एक प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करते हैं, सो उस पर काम करना रहता है। तो आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर डेवऑप्स आप पूरा सीख गए तो सेल्सफोर्स की तरफ बजाओ, यहाँ सीख लो, तो ज़िंदगी आपकी कभी मोनोटोनस नहीं होने वाली है यहाँ पर ऐसा है। बट फिर भी मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मतलब पैसा ज़्यादा है, काम अच्छा है। सो जो सबसे पहला मेरा रीज़न है वो ये है कि मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे मेरी लाइफ मोनोटोनस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एसएससी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, अगर यहाँ की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपकी जॉब के साथ आप ये कर रहे हैं तो अगर आपकी अगर जॉब भी चैलेंजिंग रहेगी तो जो इससे बड़ा चैलेंज है आपकी ज़िंदगी में ये जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये वाला चैलेंज हैंडल नहीं कर पाओगे, लाइफ एक प्रेशर कुकर हो जाएगी, जो 3-8 में बोला है ना बिल्कुल वैसी। सो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जॉब रहे वो थोड़ी मोनोटोनस रहे, जो इसका काम मैं जल्दी से निपटा लूँ, ज़्यादा मुझे सीखना ना पड़े, वहाँ पर मुझे ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ताकि जो मेरा दिमाग है वो मैं पढ़ाई की ओर लगा सकूँ। सो ये मेरा पहला रीज़न है। उसके बाद सेकेंड रीज़न, फैमिली अराउंड ऑब्वियसली, कि फैमिली वालों को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब। सो ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दोज थिंग्स वो तो है ही, बट सुकून और मुझे समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ये कारण के चक्कर में मैं गवर्नमेंट जॉब में आ रहा हूँ। और उसके साथ साथ क्या होता है, एनवायरनमेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आऊँगा, जैसे मैं अभी कोई भी इनमें से एग्जाम जाता हूँ, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने पेपर निकाला होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइक माइंडेड लोग होंगे मेरी तरह, हम लोगों की सोच एक जैसी होगी, उनमें से भी बहुत सारे लोग इसी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो एक एनवायरनमेंट बनेगा इस तरीके के लिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे हो, अभी तो मैं वर्क फ्रॉम कर रहा था तो मुझे उसका इतना असर नहीं पड़ा, अगर मैं वहाँ चले जाता तो मैं उसी सेक्टर की तरफ पड़ जाता, मैं प्राइवेट में ही काम करने लग जाता। सो ये चीज़ों के चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब ज्वाइन करूँगा, और वो 100% ही है कि मैं जॉब ज्वाइन करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी जारी रखूँगा, और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम यूपीएससी क्लियर नहीं करेंगे।
इसलिए इस चैनल का नाम यूपीएससी विजतन है। अदरवाइज आपने देखा होगा मैं बहुत सारे एग्जाम देता रहता हूँ, बट यूपीएससी से पहले रुकना नहीं है। सो आई होप कि आई मेट थिंग्स क्लियर हेयर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मतलब टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। साइनिंग ऑफ जतन, थैंक गुडिया।